हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 11th क्लास की बायोलॉजी से चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4 तक हमने लास्ट वीडियो में किया था और आज हम क्वेश्चन 5 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज़ अ मीजोसोम इन ए प्रोकैरियोटिक सेल। एक प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम क्या होता है, मीजोसोम एक इन्वेजिनेशन होती है मेम्ब्रेन की, उसके बारे में हमें बताना है कि वो क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। मेंशन द फंक्शंस दैट इट परफॉर्म्स, और साथ में हमें क्या बताना है कि मीजोसोम क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर है, मीजोसोम इज अ कॉन्वोल्यूटेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीजोसोम जो है एक मेम्ब्रेनस, एक मुड़ी हुई, कॉन्वोल्यूटेड मीन्स मुड़ी हुई मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स मीन मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर, जो कहाँ बनता है, प्रोकैरियोटिक सेल में बनता है बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेट होने से, अंदर की तरफ फोल्ड होने से। मैं रफली इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ये मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ और इस तरह की अपीयरेंस देती है। और ये जो अपीयरेंस है, ये जो अंदर की तरह इन्वेजिनेट हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी इन्वेजिनेशन को हम बोलते हैं मीजोसोम। उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि इन्वेजिनेशन जो है ये मीजोसोम, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो पहला फंक्शन है, दीज एक्सटेंशंस हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। सबसे पहला काम इसका है कि सेल वॉल बनाने में हेल्प करती है। सेकंड, इसका मेन फंक्शन जो है वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को रेप्लिकेट करने में, मीन्स डिवाइड करने में हेल्प करती है। दी also help in the equal distribution of chromosome into the daughter cells। और ये किस चीज़ में help करती है, जब cell की division होती है तो एक से दो cell या multiple cell की formation होती है, तो उस time पे जो भी genetic material है, chromosome जितना भी present है वो हर cell में equal जाए, ठीक है, इसमें भी help करता है हमें mesosome। नेक्स्ट फंक्शन है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू कैरी आउट वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। हमें पता, कोई भी काम करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, हमें जगह चाहिए, तो उस सरफेस को भी इंक्रीज करता है मीजोसोम, क्योंकि ये मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। इनफोल्ड होने की वजह से क्या है, मेम्ब्रेन का जो सरफेस है वो बढ़ जाता है, तो एक इस तरह से ये हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन है, थर्ड फंक्शन, इट हेल्प्स इन सिक्रीशन प्रोसेसेस एज वेल एज इन बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर वाली साइड, वहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी एक मेम्ब्रेन फोल्डिंग है, तो इस पे भी प्रेजेंट होंगे। इस तरह से ये क्या है, कुछ सिक्रीशन प्रोसेसेस में और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है एक प्रोकैरियोटिक सेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन कहता है, हाउ डू न्यूट्रल सॉल्यूट मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे कैसे मूव करते हैं, सेल के अंदर जाना, सेल से बाहर जाना, वो सब कैसे होगा। कैन द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो मूव अक्रॉस इट इन द सेम वे। क्या पोलर मॉलिक्यूल भी सेल मेम्ब्रेन से उसी तरह से पास आउट हो सकते हैं सेम वे से जैसे न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, अगर पोलर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल सॉल्यूट की तरह मूव नहीं कर सकते, देन हाउ आर दिस ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये पोलर मॉलिक्यूल किस तरह से ट्रांसपोर्ट होंगे सेल मेम्ब्रेन से, वो हमें डिस्कस करना है। तो हमारा आंसर है, सबसे पहली बात है, न्यूट्रल सॉल्यूट कैसे पास आउट होंगे। तो न्यूट्रल सॉल्यूट पास होंगे पैसिव डिफ्यूजन से। पहले हम थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे न्यूट्रल सॉल्यूट पास आउट होंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्या पोलर मॉलिक्यूल्स
सेम वे में पास होंगे, अगर नहीं तो वो कैसे पास आउट होंगे, ये सब हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एक सेल के सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है, जो सेल के अंदर के मटेरियल को सेल के बाहर के मटेरियल से सेपरेट करती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द सेल एंड आउट फ्रॉम द सेल्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही रेगुलेट करती है सेल के अंदर क्या जाना है, सेल से बाहर क्या जाना है, इन सब मूवमेंट्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है एक सेल में, वो सेल के अंदर से बाहर चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना, वो काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। इट अलाउज़ द एंट्री ऑफ ओनली सम सब्सटेंसेस। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिर्फ कुछ एक चीज़ों की एंट्री को अलाउ करती है एंड प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ अदर मटीरियल्स, और कुछ मटीरियल्स की, बाकी के मटीरियल्स की मूवमेंट को ये रोक लेती है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही सेल के अंदर ये अलाउ करती है और कुछ चीज़ों को अंदर आना अलाउ नहीं करती है, इसलिए हमने इसे बोला है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से कैसे न्यूट्रल सब्सटेंस मूव करता है सेल के अंदर या बाहर, किस तरह से मूव करता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। कैसे मूव करेगा, सिंपल पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे किचन में खाना बन रहा है, जहाँ खाना बन रहा है वहाँ उसकी फ्रेग्रेंस ज़्यादा होगी। जैसे हमने डीओ लगाया है, जहाँ हमने लगाया है वहाँ उसकी फ्रेग्रेंस ज़्यादा है। अगरबत्ती लगाते हैं, जिस जगह पे लगाई है वहाँ उसकी फ्रेग्रेंस ज़्यादा है। धीरे धीरे इन सब चीज़ों की जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे घर में फैल जाती है, काफ़ी दूर दूर तक फैल जाती है। अब क्या हुआ, क्योंकि जिस लोकेशन पे वो काम हुआ वहाँ पे उसकी फ्रेग्रेंस ज़्यादा थी और बाकी के स्पेस में कम थी। जैसे कमरे के अंदर आपने लगाया, ठीक है, एक जगह पे, और बाकी की जो जगह है वहाँ पे उसकी फ्रेग्रेंस कम है, तो धीरे धीरे वो बाकी के रूम में फैल जाएगी। इसी को ही हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। ऐसा ही हमारी सेल में होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हम बात करें ऑक्सीजन की, वो हमारी बॉडी में मूव करते हैं एल्वियोलाई के थ्रू, क्या है, एक्सचेंज होते हैं। तो वो एक्सचेंज कैसे होता है, वो इसी तरह से होता है। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका डिफ्यूज़ होना या ऑक्सीजन का डिफ्यूज़ होना, सेम दोनों डिफ्यूज़न की प्रोसेस से होते हैं। तो डिफ्यूज़न की डेफिनेशन भी हमने दी है। डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। अगर कोई चीज़ सेल के अंदर ज़्यादा हो गई है तो वो अपने आप क्या है, सेल के बाहर मूव कर जाएगी डिफ्यूज़न के थ्रू। और कोई चीज़ अगर सेल के बाहर हाई अमाउंट में है तो वो अपने आप क्या है, सेल के अंदर मूव कर जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से मूव करेंगे, और इससे पहले हमें ये भी देखना है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है क्या सेम वे में मूव कर सकते हैं या नहीं। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर एंड प्रोटीन्स। हमारी सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है। फॉस्फोलिपिड मीन्स फॉस्फोरस प्लस में लिपिड। मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द नॉन पोलर लिपिड बायलेयर रिक्वायर्स द कैरियर प्रोटीन्स। जो हमारी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मेम्ब्रेन से अगर पास आउट होना है
तो वो कैसे होंगे? उन्हें कुछ करियर प्रोटीन्स चाहिए, वो डिफ्यूज़न की प्रोसेस से पास आउट नहीं हो सकते हैं जैसे कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स हुए हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने के लिए उन्हें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स चाहिए जिनको हम करियर प्रोटीन्स या फिर इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं। इनका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ कि एक सेल मेम्ब्रेन में किस तरह से हमें इंटीग्रल प्रोटीन्स दिखाई देते हैं या करियर प्रोटीन्स दिखाई देते हैं। हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड की बाई लेयर होती है, इस तरह से रफली ड्रॉ कर रही हूँ मैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि लिपिड्स की बाई लेयर होती है। ये लिपिड्स हैं, इनमें क्या है, प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स इस तरह से एम्बेडेड होते हैं, कुछ प्रोटीन्स इस तरह से एम्बेडेड होते हैं, और कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो पूरी मेम्ब्रेन से इस तरह से इंटीग्रेट होते हैं कंप्लीट मेम्ब्रेन में। इस तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं वही करियर प्रोटीन्स या इंटीग्रल प्रोटीन्स को इंटीग्रल प्रोटीन्स कहलाते हैं, और यही क्या है जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इनके क्या है, कुछ स्पेसिफिक एफिनिटी होती है इनमें कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स को अपने पास अटैच करने की, जिस तरह से मान लो यहाँ पे इनकी रिसेप्शन साइट है, ये रिसीव करेंगे सोल्यूट को, और फिर इनमें क्या है कुछ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स होंगी जिसकी से क्या है जो हमारा सोल्यूट पार्टिकल है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, और अंदर की तरफ आने के बाद ये सेल के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है इस तरह से। तो हमें पता है कि लिपिड और प्रोटीन की हमारी मेम्ब्रेन बनी होती है, लिपिड की बायलेयर होती है, उसी में क्या है प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, और कुछ प्रोटीन क्या है थ्रू आउट मेम्ब्रेन होते हैं, तो वो क्या है उन्हें ही हम बोलते हैं करियर प्रोटीन्स, और यही करियर प्रोटीन्स हमारी हेल्प करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स को पास आउट करने में। करियर प्रोटीन्स आर इंटीग्रल प्रोटीन्स पार्टिकल हैविंग सर्टेन एफिनिटी फॉर स्पेसिफिक सोल्यूट। इन्हीं इंटीग्रल प्रोटीन्स के पास क्या है कुछ एफिनिटी होती है ताकि स्पेसिफिक सॉल्यूट को अपने साथ अटैच कर सके, उन्हें ट्रांसपोर्ट कर सके, और ये क्या करते हैं इसी वे में क्या है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेवन कहता है नेम टू सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। हम एक ऐसी दो ऑर्गेनेल्स के नाम बताने हैं जिनके बाहर डबल मेम्ब्रेन होती हैं, दो मेम्ब्रेन होती हैं। व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू ऑर्गेनेल्स, और इनके नाम बताने के साथ साथ हमें इनकी करैक्टरिस्टिक्स भी बतानी है, स्टेट देयर फंक्शंस, इनके फंक्शन भी बताने हैं कि ऑर्गेनेल्स क्या काम कर रही हैं हमारे सेल में। ड्रॉ लेबल डायग्राम्स ऑफ बोथ, और दोनों ही ऑर्गेनेल्स के हमें स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनका नाम क्या है, उसके बाद ही हम इनके करैक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शन को और इनके स्ट्रक्चर को। तो ऐसी दो ऑर्गेनेल्स जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं उनमें से एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड है क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों ही ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं हम, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर दो मेम्ब्रेन होती हैं, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी होती हैं। तो जब आप माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करोगे, इसकी करैक्टरिस्टिक बताओगे, तो सबसे पहले तो आप यही बताओगे कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसके बाहर कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, दो मेम्ब्रेन होती है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, और उसी स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और वहाँ पे एक लिक्विड भी फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम नाम देंगे मैट्रिक्स, और कुछ ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, प्रोटीन पार्टिकल्स राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे क्रिस्टे होते हैं क्रिस्टे पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एटीपी सिंथेज पार्टिकल्स ऑक्सीजोम प्रेजेंट होते हैं। यह हमने स्ट्रक्चर देख लिया है, आप बहुत ही ईजिली स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आपको आउटर मेम्ब्रेन ड्रॉ करनी है, फिर इनर मेम्ब्रेन आपको क्रिस्टे के साथ
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिस्टे आपको ड्रॉ करनी है। इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, 2 मिनट्स में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, F1 पार्टिकल्स ड्रॉ करोगे, जिन्हें हम ऑक्सीजोम भी, पॉइंटर से मैं सही से नहीं बना पा रही हूँ, पर पूरी इनर मेम्ब्रेन पे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जिन्हें हम ऑक्सीजोम बोलेंगे। इसके अंदर आपको लिक्विड इस तरह से डॉट डॉट करके आपको मैट्रिक्स फिल करना है, और थोड़ा सा आपको इसमें डीएनए मटेरियल शो करना है, और कुछ राइबोसोम पार्टिकल शो करने हैं बड़ी डॉट से, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शन जिन्हें हम क्रिस्टे बोलते हैं, ये क्रिस्टे पे जो पार्टिकल हैं एटीपी सिंथेज पार्टिकल, या फिर हम इन्हें ऑक्सीजोम नाम भी देंगे, जो लिक्विड फील्ड है इन्हें आप बोलोगे मैट्रिक्स, और इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, और उसके अलावा डीएनए पार्टिकल का आप अलग से बता सकते हो। तो ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसको भी आप मेंशन कर दोगे, और ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। थोड़ा सा देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स, वैसे तो आपको पता लग ही गया है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, आप इजीली बता सकते हैं, फिर भी हम एक बार रीडिंग ले लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके बाहर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डिवाइडेड इंटू इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स, और इसकी मेम्ब्रेन जो है 2 में डिवाइड होती है, एक अंदर की मेम्ब्रेन और एक बाहर की मेम्ब्रेन। डिस्टिंक्टिवली डिवाइडेड इंटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, आउटर एंड इनर कंपार्टमेंट। इसी तरह से जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो आउटर कंपार्टमेंट बनाती है, और इनर वाली इनर कंपार्टमेंट बनाती है। जो आउटर कंपार्टमेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, उसमें क्या है, कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगी, पोरस मीन्स पोर प्रेजेंट होना, वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, और जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है, मैंने बताया था फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें हम क्रिस्टे बोल रहे हैं, दीज फोल्ड्स आर नोन एज क्रिस्टे, और इन्हीं फोल्ड्स को हमने क्या नाम दिया है, क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या का काम करते हैं, एक तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं सेल के अंदर, दूसरा क्या है, ये साइट होती है एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन के लिए, जितनी भी एटीपी को बनाने वाली केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब कहाँ होती हैं, क्रिस्टे पे होती हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियन कंटेन्स स्पेसिफिक एंजाइम मीन्ड फॉर स्पेसिफिक माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया के जो काम हैं उनको करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। हैंस माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, माइटोकॉन्ड्रिया वही जगह है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही एटीपी जनरेट होती है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बनाया था तो आपको बताया था कि इसके अंदर डीएनए फिल करना है, राइबोसोम फिल करना है, क्यों, क्योंकि जिस तरह से एक सेल का अपना डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के भी अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल एक प्रोकैरियोटिक सेल से रिजेंबल करते हैं ये, और यही कहा जाता है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल से ही जनरेट हुए हैं। दस दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम है, तो ये अपना प्रोटीन भी बना सकते हैं। दिस इज व्हाई, और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, जिसकी हेल्प से ये अपने प्रोटीन्स भी बना सकता है, इसीलिए हम इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट की करेक्टरिस्टिक्स। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसके बाहर भी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसके मेम्ब्रेन्स भी क्या है, आउटर और इनर में डिवाइडेड होती है, और इसी तरह से क्या है, इसमें भी अलग अलग रीजन बनते हैं। उसके बाद हमें जो पढ़ना है ग्राना। ग्राना आर द स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड डिस्क कंटेनिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हमने पढ़ा था थायलाकोइड्स के बारे में पहले क्वेश्चन मैच वाले क्वेश्चन में, वही उसी का यूज़ कर रहे हैं हम। ग्राना जो है वो क्या होते हैं, स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड डिस्क कंटेनिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। द फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स आर कॉल्ड थायलाकोइड्स। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मैं आपको अभी बता देती हूँ,
ये स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें आप ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं थायलाकोइड्स। और जब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है, जैसे मान लो ये प्लेट है, प्लेटों का हमने स्टैक बना दिया, इसे क्या हम देंगे नाम, ग्रैनम। जब हम काफ़ी सारे थायलाकोइड्स को एक के ऊपर एक रखते हैं तो ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर बना है इसे हम बोलते हैं ग्रैनम, ठीक है। और जिनसे ये आपस में अटैच्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं लैमले। और लिक्विड जो प्रेजेंट है उसे हमने नाम दिया स्ट्रोमा। बाहर की मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन। तो पता लग गया ग्रेना क्या होगा। ग्रेना क्या होते हैं, स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड डिस्क कंटेनिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये जो डिस्क है थायलाकोइड, यही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो ग्रीन कलर देता है लीव्स को। द फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स आर कॉल्ड थायलाकोइड्स। और ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं इन्हीं को क्या हम बोलते हैं, थायलाकोइड्स, जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। द थायलाकोइड्स ऑफ एडजेसेंट ग्रेना आर कनेक्टेड बाय मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेले। ये लैमेला हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से अटैच्ड होता है, और जिस चीज़ से अटैच होता है एक मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिससे दो ग्रैनम आपस में अटैच्ड होते हैं, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैमेले। स्ट्रोमा इज ए होमोजेनस मिक्सचर। मैंने बता दिया आपको कि स्ट्रोमा क्या होता है, जो लिक्विड फील्ड होता है जहाँ पे ग्रैना एम्बेडिड होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर जहाँ पे ग्रैना एम्बेडिड है, फिक्स है, उसी को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इट कंटेन्स सेवरल एंजाइम्स। ग्रैना में काफ़ी, जो स्ट्रोमा है उसमें काफ़ी एंजाइम्स होते हैं, जो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। इट ऑल्सो कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जिसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं, सेम क्लोरोप्लास्ट के भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, ये भी अपने प्रोटीन्स खुद से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस करेंगे, उसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट फंक्शन है दे आर द साइट्स फॉर सेल्युलर रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो सबसे पहला फंक्शन सेल्युलर रेस्पिरेशन की साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर ऑल विटाल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स की जितनी भी ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं उन सब के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से आती है, क्योंकि एटीपी की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पावर जनरेट होती है, और ये पावर जनरेट होती है एटीपी की फॉर्म में। और जहाँ भी हमारे सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे एटीपी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से। नेक्स्ट फंक्शन है दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ये भी हम पढ़ चुके हैं, इनका अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, इसलिए अपने प्रोटीन भी बना सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं। दे हैव सेवरल एंजाइम्स, इनके पास कुछ एंजाइम्स भी होते हैं इंटरमीडिएटली रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स, जिससे क्या है काफ़ी सारे केमिकल, फैटी एसिड, स्टीरॉइड्स एंड अमीनो एसिड्स को खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये हुए फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जैसे कि हमने पढ़ा, इसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस। दे ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड फॉर प्लांट्स। जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, फिर उसको यूटिलाइज मीन्स को यूज़ करता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड, खाना बनाने के लिए प्लांट्स के लिए। हैंस इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। नेक्स्ट है दे कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। इनका अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, तो ये क्या है, अपने प्रोटीन्स भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और कुछ एंजाइम्स के हेल्प से ये अपना कार्बोहाइड्रेट भी खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 कहता है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। एक प्रोकैरियोटिक सेल की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चंस में कि इसका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इसका जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स जैसे कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होता है प्रोकैरियोटिक सेल, जो है एक तरह से जिसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक हम मोस्ट ऑफ देम जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं, यूनिसेलुलर ही होती हैं। सेकंड पॉइंट है, दे आर जनरली स्मॉल इन साइज। इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनका साइज वेरी करता है 0.5 to 5 micrometer के मिड। The nuclear region of a prokaryotic cell is a poorly defined because of the absence of a nuclear membrane. मैंने बताया था कि इनके genetic material के बाहर nuclear membrane नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इनका जो nuclear region होता है वो poorly defined होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि lacks a true nucleus। आप two words में भी इस point को ख़त्म कर सकते हो, अ प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स अ ट्रू न्यूक्लियस। एक सच्चा न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें एक स्यूडो न्यूक्लियस होता है, मींस जो न्यूक्लियस की तरह बिहेव तो करता है पर एक्चुअल में वो न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि उसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, द जेनेटिक मटीरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नेक्ड। जो जेनेटिक मटीरियल होता है डीएनए जो होता है नेक्ड होता है, मींस उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। दे कंटेन सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। इनका जो न्यूक्लियस हो जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो सिंगल होता है और सर्कुलर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अलावा इनके पास और भी स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जिसको क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड अलग अलग तरह के होते हैं, इनके फंक्शन पे ही इनका नाम हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोसोम। मीजोसोम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वही सारी बातें आप इसी पॉइंट में रिवाइज करोगे दोबारा से। नेक्स्ट पॉइंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होती हैं क्योंकि सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन ए 3-layer स्ट्रक्चर। मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें एक 3-layer स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं, सबसे बाहर जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, मिड में सेल वॉल होती है और बिल्कुल अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल और उसके बाहर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स की एक कवरिंग होती है। दिस स्ट्रक्चर एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव यूनिट, और ये तीनों ही मिलकर क्या बनाती हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं, सेल को प्रोटेक्ट करती हैं बाहर के एनवायरनमेंट में, और इसे हम 3-layer स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये जो 3-layer स्ट्रक्चर है या फिर हम कहें प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स, वो हैं ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाहर पेप्टिडोग्लाइकन की कवरिंग होती है। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सप्लेन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते कौन से हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मल्टीपल सेल से मिलकर बनती हैं उन्हें हम मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स।
जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीपल सेल के से बनते हैं, उनमें मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ऑल दीज सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और हर सेल का अपना फंक्शन होता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, जैसे नर्व सेल्स है वो मैसेज ट्रांसमिट करती है, आरबीसीज हैं जो हेमोग्लोबिन पिगमेंट को कैरी करती हैं। तो हर फंक्शन, हर सेल का क्या है, डिफरेंट फंक्शन है। हर सेल अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ऑल द सेल्स स्पेशलाइज फॉर परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर ग्रुप टुगेदर एज ए टिश्यू इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो जो सेल सेम फंक्शन करती हैं वो सब मिलकर क्या बनाती हैं, एक टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं। और ये टिश्यू क्या है, एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो मिलके क्या है, एक जगह पे इकट्ठी होंगी और एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। उसी तरह से डिफरेंट फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से क्या है, अलग अलग फंक्शंस क्या है, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करेंगी। बहुत सारे ग्रुप्स का सेल्स बना होता है, अलग अलग टिश्यूज़ हैं जो अपना अपना वर्क स्पेसिफिक फंक्शंस को करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर। जैसे डाइजेशन का काम क्या है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो ऑर्गन आ रहे हैं वो करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन का काम अलग सेल्स का है। तो इस तरह से क्या है, लेबर जो है हमारी बॉडी में डिवाइड हुआ पड़ा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कस इन ब्रीफ। हमें ब्रीफ में बताना है कि सेल जो है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है। कैसे हम कह सकते हैं कि सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है? वैसे तो हमें पता है कि सेल्स जो हैं सबसे छोटे स्ट्रक्चर की और फंक्शन की यूनिट होती है। सेल्स को मिला के ही टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ को मिलाकर ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन का ग्रुप जो है आपस में मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम जो है हमारी बॉडी को बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेल जो है सबसे छोटी यूनिट है, इसीलिए हमें इसे बेसिक यूनिट, जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी में सेल एक ब्रिक का काम करती है। आंसर देखते हैं, सेल आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल द रिक्वायर्ड बायोकेमिकल प्रोसेसेस दैट ए नॉर्मल सेल हैज़ टू डू इन ऑर्डर टू लिव। हमारी बॉडी में अगर हम सेल की बात करें तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, क्योंकि एक लाइफ को, जैसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है वो लिविंग होता है और एक सिंगल सेल ही होता है। उसकी सिंगल सेल बॉडी में, उस सिंगल सेल में वो सभी फंक्शंस हो रहे हैं जो उसको लिव, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। एक नॉर्मल सेल जो है वो सारे फंक्शंस करती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेल जो है एक बेसिक यूनिट है। द बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द सेम। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सेम होती है। जैसे कि हर किसी को रेस्पायर करना है, हर किसी को फूड डाइजेस्ट करना है, उससे एनर्जी लेनी है, और जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करना है। यही सारे फंक्शन हमारी सेल भी परफॉर्म करती है, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ बॉडी, हैंस सेल्स आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और इन्हें ही हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के बजाय फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के साथ साथ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे सबसे छोटी यूनिट जो बेसिक यूनिट है वो सेल ही होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, स्टेट देयर फंक्शन, उनके काम हमें बताने हैं कि हमारी बॉडी में, हमारी सेल में किस तरह से वर्क कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं। जब आप मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे पोर मिलेंगे। मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इस तरह का होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आप देख रहे हैं बीच बीच में स्पेस है, इन्हीं स्पेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। रीड करते हैं, न्यूक्लियर पोर्स आर द टीनी होल्स
प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं? टीनी होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया है। जब भी आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन करना हो, तो जो भी रफ डायग्राम मैं ड्रॉ कर रही हूँ, अगर आप उनके साथ इस क्वेश्चन को, वो रफ डायग्राम ड्रॉ करके इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। और ये कैसे बनते हैं? दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आपस में फ्यूजन से। जैसे मैंने आपको, अगर हम दो मेम्ब्रेन्स को ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह से होगी। जब यही मेम्ब्रेन्स क्या करती है, आपस में फ्यूज हो जाती हैं, तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं? जैसे यहाँ पे मैं आपको सही से ड्रॉ करके नहीं दिखा सकती हूँ। मान लीजिए ये दो मेम्ब्रेन से, जब ये दो मेम्ब्रेनें आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, इस तरह से आपस में जुड़ जाती हैं, ये भी मेम्ब्रेन है, इस तरह से फ्यूज़ हो जाएंगी, तो क्या है, बीच में टीनी होल्स होंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। दीज होल्स अलाउ स्पेसिफिक सब्सटेंस टू बी ट्रांसफर्ड इन ए सेल एंड आउट फ्रॉम इट। और यही होल्स क्या है, अलाउ करते हैं कि क्या चीज़ जो है न्यूक्लियस के अंदर जानी है और क्या चीज़ें बाहर जानी है। दे अलाउ मॉलिक्यूल्स सच एज आरएनए प्रोटीन टू मूव इन बोथ डायरेक्शंस। जो आरएनए और प्रोटीन्स है, वो सेल न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में दोनों चीज़ें दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। तो न्यूक्लियर पोर का अगर क्वेश्चन आता है, तो आप रफ डायग्राम के साथ इसको ड्रॉ करने के बाद लेबल करके आप अगर इतना लिखते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स आर एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, येट दे डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन कमेंट। कहता है कि लाइसोसोम और वैक्यूल्स दोनों ही क्या है, एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, पर दोनों ही डिफर है अपने फंक्शन में, अपने काम में दोनों ही अलग है। दोनों ही क्या, मेम्ब्रेन के बने होते हैं, पर इनका काम अलग है, इस बात पे हमें कमेंट करना है। लाइसोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स है, होल्डिंग ए वैरायटी ऑफ एंजाइम्स सच एज लिपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स। जो लाइसोसोम होता है वो क्या है, इस तरह का मेम्ब्रेन वेसिकल के फॉर्म में होता है, इसीलिए हम इसे वेसिकुलर स्ट्रक्चर भी कह रहे हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन का बना होता है, इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स, अलग अलग तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे लिपेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, लिपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीएज़ अलग अलग तरह के प्रोटीन डाइजेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए। द पर्पज ऑफ लाइसोसोम इज़ टू डाइजेस्ट वर्न आउट सेल्स। जो भी सेल्स ख़त्म हो गई हैं, वर्न आउट मीन्स जिसमें भी कोई डैमेज आया है, या वेस्ट सेल्स जो हैं जो ख़त्म हो गई हैं, उनको डाइजेस्ट करने का जो काम है वो किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। दे आर इन्वॉल्व इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ द फॉरन बॉडी फॉर्म फूड पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स। अगर हमारी सेल के अंदर कोई भी डाइजेशन के टाइम पे कोई फॉरन फूड पार्टिकल आ गया है, माइक्रोब आ गया है, उन सबको डाइजेस्ट करने का जो काम है वो किसका है, लाइसोसोम का है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि अगर सेल को कोई डैमेज हो गया है, और अगर वो सेल क्या है, खुद को रिकवर नहीं कर सकती है, ऐसी कंडीशन में लाइसोसोम अपने एंजाइम्स को रिलीज करके पूरी सेल को एनगल्फ कर जाता है, खा जाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स, की सेल की सुसाइड करवा देता है। दे आर इन्वॉल्व इन सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल। क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग्स, क्योंकि ये सेल्फ डाइजेशन कर जाते हैं। दे आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल। एक तरह से वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम का काम करते हैं, जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड, ये तो हमने बात करी लाइसोसोम की, लाइसोसोम और वैक्यूल में डिफरेंस है, वो डिफरेंस अब हम देखते हैं। अभी हमने पढ़ा लाइसोसोम के बारे में कि मेम्ब्रेन बाउंड वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इन्हें सुसाइडल बैग्स भी हम कहते हैं, क्यों, क्योंकि सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल्स भी ये कर देते हैं। ऑन अदर हैंड, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फाउंड इन सेल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, स्टोरेज सैक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे कुछ प्लांट क्या है, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है, उनमें क्या है,
उनके जो वैक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होती है, एयर होती है, वो बायंसी में तैरने में हेल्प करते हैं उनको। इसी तरह से कुछ वेसिकल्स क्या हैं, वो खाना खाने में हेल्प करते हैं, जो खाना स्टोर रखते हैं, कुछ वाटर स्टोर रखते हैं, ठीक है, जिस चीज़ की सेल में रिक्वायरमेंट होती है उसी को ये स्टोर करके रखते हैं। दे माइट स्टोर वेस्ट, हो सकता है ये वेस्ट को स्टोर करके रखे ताकि सेल के बाहर रिलीज कर सकें, तो कुछ ना कुछ स्टोरेज का ये काम करते हैं। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम है उनमें फूड वैक्यूल्स होते हैं जो खाना रखते हैं, और उसको क्या, जैसे कि अमीबा में आपने देखा होगा वो खाना कैसे खाता है, वेसिकल में क्या उसका खाना आता है, उसको फिर वो डाइजेस्ट कर लेता है और वेसिकल के थ्रू ही उसको वो बाहर रिलीज कर देता है। और मैंने बताया ये पानी भी स्टोर करता है, तो जब सेल को पानी चाहिए तो ये क्या करेगा, सेल के अंदर वेसिकल अपने आप में पानी फिल करके ले आएगा, उसको स्टोर रखेगा, और जब नहीं चाहिए तो अपने आप में फिल करके वो सेल से बाहर भी ले आएगा। सेल से जो वेस्ट है वो भी वेसिकल्स के थ्रू ही रिलीज होगा। तो अब आई होप आप समझ पाए होंगे लाइजोसोम और वैक्यूल में क्या डिफरेंस है। लाइजोसोम में क्या है, एंजाइम स्टोर्ड होते हैं, और वैक्यूल क्या है, वो डिफरेंट फंक्शंस करता है, अलग अलग चीज़ों को स्टोर करता है। 13 क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम की हेल्प से हमें कुछ स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना है। पहला है न्यूक्लियस और दूसरा है सेंट्रोसोम। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो सेल की सभी सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। टोटल क्वेश्चंस जो हैं हमारे 14 हैं और हम 13th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में दो स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना है लेबल डायग्राम के साथ। एक अच्छा डायग्राम बनाकर उसको लेबल करके हमें न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करेंगे। न्यूक्लियस क्या करता है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है उसी तरह से एक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जैसे हमारी बॉडी को न्यूक्लियस कंट्रोल, हमारी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी तरह से एक सेल को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल की सभी सेलुलर एक्टिविटीज को। इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल होती है, और एक न्यूक्लियस के अंदर हमें अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसके सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन होती है इसके बाहर, जो क्या है, साइटो, इसके अंदर जो लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको अलग करता है सेल में जो साइटोप्लाज्म है उससे। नैरो स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज टीनी होल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, जो हम पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। वही स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस का ड्रॉ भी करना है, वही मेम्ब्रेन आपको ड्रॉ करनी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। दीज होल्स अलाउ स्पेसिफिक सब्सटेंस टू बी ट्रांसफर्ड इन टू ए सेल और आउट फ्रॉम द सेल। और ये मेम्ब्रेन जो है कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही क्या है, अंदर और बाहर आने देती है, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ही। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड है उसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, पर न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है वो एक होमोजीनस ग्रैनुलर फ्लूइड होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, एक तो न्यूक्लियोलस जिसे हम छोटा न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस की ही एक स्मॉल, जैसे न्यूक्लियस होता है वैसा ही छोटा होता है, ब्लैक डार्क बॉडी होती है ये। और न्यूक्लियोलस के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डिवीजन के टाइम पे कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल, और इसमें प्रोटीन्स बहुत अमाउंट में होता है और आरएनए मॉलिक्यूल्स भी, एंड इज साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन, और न्यूक्लियोलस ही जगह होती है राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए। क्रोमैटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अनटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड्स, ठीक है, आपस में उलझे हुए थ्रेड्स होते हैं।
इट कंटेन्स डीएनए, और न्यू जो हमारा क्रोमेटिन होता है उसी में क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स जिनका नाम है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स प्रोटीन सिर्फ डीएनए के साथ मिलते हैं हमें, ये दोनों कहाँ मिलते हैं हमें, क्रोमेटिन में मिलते हैं। जब भी सेल को डिवाइड करना होता है तो क्रोमेटिन क्या है, अपना वाटर रिलीज करके कंडेंस होना शुरू कर देता है, और कंडेंस होने के बाद ये क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है। ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, आप देख रहे हैं, ये जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये न्यूक्लियर पोर है, और ये जो बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्रोमैटिन है, और ये जो स्मॉल स्फेरिकल बॉडी आपको डार्क दिख रही है इसका नाम है न्यूक्लियोलस, और सिर्फ इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, आप आराम से इसको इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंडिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। ठीक है, जो सेंट्रोसोम होता है वो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दो स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं, दो सेंट्रियोल्स मिला के एक सेंट्रोसोम की फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर शेप में लाई करते हैं एक दूसरे के साथ। ईच हैज़ कार्टव्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी की क्या है, कार्टव्हील जैसी, जिस तरह से कार्टव्हील एक दूसरे के साथ होते हैं उसी तरह के कार्टव्हील जैसा होता है, वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, वैसी ही ऑर्गेनाइजेशन होती है। अ सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स, एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट का बना होता है ये, और इवनली स्पेस्ड इन ए रिंग, और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में इक्वल स्पेस पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर लिंक्ड टुगेदर, देयर इज ए प्रोटीनिशियस हब इन द सेंटर पार्ट, और सेंटर पार्ट में क्या है, एक प्रोटीनिशियस हब होता है ऑफ अ सेंट्रियोल। स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। द हब इज कनेक्टेड टू द ट्रिपलेट्स विया रेडियल स्पॉक्स, और रेडियल स्पॉक्स के थ्रू क्या है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दीज सेंट्रियोल्स हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्ट्रल रेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जिस टाइम पे सेल डिवीजन होती है उस टाइम पे ये सेंट्रियोल हेल्प करते हैं ताकि स्पिंडल फाइबर्स को क्या है हम ऑर्गेनाइज कर सकें इजीली, और एस्ट्रल रेज को भी ऑर्गेनाइज किया जा सके। दे फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड प्लाज्मा, और सीलिया प्लाज्मा जो सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं, उनकी जो बेसल बॉडी जहाँ से वो सेल के साथ अटैच होते हैं, फिक्स होते हैं सेल में, उस जगह को बनाने में भी हेल्प करते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरी बॉडी है सेंट्रोसोम, और इसके अंदर ये जो दो स्ट्रक्चर है राउंड, इनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। ये स्ट्रक्चर है जब सेल डिवाइड करती है उस टाइम का, जब सेल डिवाइड करती है तो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। ये जो आप देख रहे हो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, और ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम। ये मेटाफेज की पिक्चर है, और ये हमारे क्या सेंट्रियोल्स हैं जो एस्ट्रल रेज को, ये जो निकल रही हैं ये एस्ट्रल रेज है, और ये स्पिंडल फाइबर्स है, दोनों को ही क्या सपोर्ट किए हुए हैं, कंट्रोल किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में हमें बताना है व्हाट इज अ सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर क्या होता है, हाउ डज द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सेंट्रोमियर क्या होता है, और किस तरह से इसकी जो पोजीशन है वो उसके बेसिस पे हम क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। स्पॉट योर आंसर विद ए डायग्राम शोइंग द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, अलग अलग तरह के क्रोमोसोम पे आपने सेंट्रोमियर की पोजीशन बतानी है, और आपको बताना है कि अलग अलग शेप जो हैं उनको एक्सप्लेन करना है डायग्राम की हेल्प से। आंसर देखते हैं, सेंट्रोमियर इज ए कॉन्ट्रिक्शन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम वेयर द क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर। क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोसोम के पार्ट, वो एक दूसरे से जिस पार्ट से अटैच होते हैं, जो बीच में कॉन्ट्रिक्शन होती है, उसी कॉन्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड किए जाते हैं 4 टाइप्स में,
और ये किस बेसिस पे डिवाइड किए जा रहे हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे। सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है उस बेसिस पे हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को चार टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स इन विच द सेंट्रोमियर इज अब्सेंट इन मिडल एंड डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू टू इक्वल आर्म इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। जब सेंट्रोमियर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडल में। आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम है और इसके मिड में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। जब सेंट्रोमियर बीच में होगा तो आर्म्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो इसी पोजीशन को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक, ठीक है। जब हमारा सेंट्रोमियर कहाँ है, मेटा पोजीशन पे है, मिड पोजीशन पे है, और वो क्रोमोसोम को क्या है, दो इक्वल आर्म्स में डिवाइड कर रहा है, तब हम क्या कहेंगे ये कौन सा टाइप हुआ, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम टाइप हुआ। जब सेंट्रोमियर कहाँ है, मिड पोजीशन पे है और इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। अगला टाइप है हमारा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, द क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल पोजिशन। जब बिल्कुल मिड में होगा तो मेटासेंट्रिक, जब मिड से थोड़ा सा खिसका हुआ हो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर या नीचे की तरफ होगा। जब हमारी दो आर्म्स, जो आर्म्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी, एक आर्म क्या है हमारी स्लाइटली लॉन्ग हो जाएगी और एक आर्म क्या है स्लाइटली शॉर्ट हो जाएगी, ऐसी पोजीशन को हम सब मेटासेंट्रिक, मीन्स मेटासेंट्रिक होता है बिल्कुल मिड, और मिड से थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो ये कौन सी पोजीशन होगी, सब मेटासेंट्रिक होगी। जब हमारा सेंट्रोमियर क्या है, थोड़ा सा स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल रीजन, इसमें वन आर्म स्लाइटली लॉन्गर होगी और दूसरी क्या है स्लाइटली शॉर्ट होगी। नेक्स्ट टाइप है हमारी एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा, इन विच सेंट्रोमियर इज लोकेटेड क्लोज टू वन ऑफ द टर्मिनल एंड्स। जब वन एंड के पास जब हमारा सेंट्रोमियर चला जाएगा, जब थोड़ा सा मिड से सरका है तो हमने उसको क्या बोला, सब मेटासेंट्रिक, और जब मिड से ज़्यादा ही सरक गया है, एंड के पास पहुंच गया है, तब हमने उसको क्या नाम दिया, एक्रोसेंट्रिक। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आर्म तो कुछ ज़्यादा ही लंबी है और एक आर्म क्या है कुछ ज़्यादा ही छोटी है। इन दिस वन आर्म इज एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड द अदर इज एक्सट्रीमली शॉर्ट। इस तरह की पोजिशन को हम क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। फोर्थ और हमारी लास्ट है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्या होगा, जब हमारा जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ लोकेटेड हो, एट वन ऑफ द टर्मिनल। अब बिल्कुल टर्मिनल पे जब आ जाएगा तो अब हम इस पोजीशन को क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एट चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है और ये 14th क्वेश्चन जो है क्रोमोसोम के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आ चुका है HPSC बोर्ड में, तो आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।